फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंजू पांडे ऑर्गेनिक गार्डन एंड ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको, जैसा कि नवरात्र चल रहा है, नवरात्र में इन 9 पौधों के बारे में बताऊंगी जिनको लगाना घर में बहुत ही शुभ होता है और इन पौधों में देवी देवताओं का वास होता है और औषधीय गुणों से भरपूर भी होते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला उनमें आता है तुलसी का प्लांट। इस नवरात्र में अगर आपके पास तुलसी का पेड़ ना हो, पौधा ना हो, तो आप जरूर लाकर लगाएं। वैसे तो अमूमन हर घर में तुलसी के पौधे पाए जाते हैं। वे औषधीय गुणों से भरपूर नज़ला जुखाम की अचूक दवा है और इसको लगाना बहुत आसान है। इस तरह की मंजरी इसमें निकलती हैं और जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो इसके सीड्स बन जाती हैं और गिर के अपने आप इतनी जम आती हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपके पास ऐसा कुछ संभव ना हो तो इसके प्लांट 10-5 रुपए के मिलते हैं। आप नर्सरी से ले आएँ और इनको जरूर लगाएं। वैसे भी कार्तिक मास में तुलसी की पूजा की जाती है, रोज इनके पास दिया जलाया जाता है, फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी का विवाह रचाया जाता है। तुलसी हिंदू धर्म में पूजनीय एक पौधा है। दूसरा पौधा है अपराजिता, जिसे शंखपुष्पी, गोकर्णी कई नामों से, टिटोरिया कई नामों से जाना जाता है और इसके मोस्टली दो कलर के फ्लावर्स होते हैं, एक वाइट एक ब्लू। लोग कहते हैं ये शंकर पार्वती का प्रिय फूल है और इसका नाम ही अपराजिता है, जिसे कोई पराजित न कर सके। ये औषधीय गुणों से भरपूर और घर के लिए शुभ वास दोष को दूर करने वाला बहुत ही अच्छा पौधा है। ये वाइन होता है, इसे आप कट करके बुसी भी बना सकते हैं। तीसरा नंबर है ये गुलदावदी, जिसको इंग्लिश में क्राइसेंथेमम कहते हैं। इसको कहीं कहीं सेवंती भी कहते हैं। ये कई कलर में आता है, सफेद, पीला, लाल, अब तो बहुत कलर बहुत डिजाइन में आता है और इसकी कटिंग लगती है। सीड से भी उगता है पर उसमें फ्लावरिंग बहुत लेट होती है, इसलिए लोग, अब तो आपने जरूर लगा लिया होगा इसकी कटिंग। ये देखिए, मैंने भी कटिंग लगाई है, कितना इसके फ्लावर्स सफ़ेद कलर के बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जिसने और पहले लगा लिया होगा उनके यहाँ फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। कटिंग से लगने वाला और मिट्टी में अच्छी तरह से ग्रो करने वाला ये प्लांट बहुत ही शुभ होता है। इसको आप नवरात्रि में जरूर लगाएं अगर अभी तक लगाया ना हो तो। अगला नंबर है ये गुड़हल का। इसमें लाल रंग के फूल बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। वैसे तो इसमें खुशबू नहीं होती है लेकिन इसका फूल बहुत ही प्यारा होता है। माँ दुर्गे को लाल रंग का इसका फूल माँ को चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे इसमें बहुत फ्लावरिंग होती थी पर हमने इसकी प्रूनिंग कर दी है तो इस समय फ्लावरिंग नहीं। अब ये न्यू ब्रांचेज जो आ रही हैं अब इसमें फ्लावरिंग होगी। ये भी कई कलर के, अब तो हाइब्रिड वैरायटी में कई कलर के आने लगे हैं, ऑरेंज, येलो, वाइट, और लेकिन दो मुख्य होते हैं, एक ये रेड, दूसरा ये वाइट कलर का। ये देखिए इसमें कितनी कलियां हैं, ये देखिए एक एक पे कितनी कलियां हैं, इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और सफ़ेद और लाल दोनों कलर का फूल जो है माँ दुर्गे को बहुत पसंद है। इनको आप अगर अभी न लगाए हो तो अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। ये घर के लिए शुभ पौधा भी होता है और इसमें हमेशा फ्लावरिंग, अगर आप अच्छी केयर करें और इसकी जो है प्रूनिंग करते रहें तो इसमें हमेशा फ्लावरिंग। ये देखिए मैंने जो है इसकी भी प्रूनिंग कर दी है, इसमें मेरे पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए अब न्यू ब्रांचेज, अब इनमें कलियां बनेंगी। बोलो, अगला प्लांट है नीम का।
नीम का तो महत्व बहुत ही ज्यादा है। नीम औषधीय गुणों से भरपूर, इसमें कहते हैं शीतला माता का वास होता है। इससे निकलने वाली ऑक्सीजन बहुत ही शीतल होती है। अक्सर लोग नीम की छांव, नीम की डाल में झूला, नीम का वर्णन हर जगह आपको मिलेगा। इसको मैंने सीड से ग्रो किया था, इसमें मैंने 2-3 सीड डाले थे। ये देखिए एक छोटा सा प्लांट है, एक बड़ा हो गया है। इसको मैं बड़े पॉट में लगाऊंगी और घर के सामने रखूंगी, अशोक का और इसका एक प्लांट। नीम का प्लांट अगर आपके पास अभी ना हो तो आप जरूर लाके लगा दें। हम लोगों के यहाँ होली के बाद से जो सप्तमी तिथि पड़ती है तो सप्तमी का व्रत रखा जाता है और हर सप्तमी को नीम के पेड़ में जल चढ़ाया जाता है। वैसे तो रोज चढ़ाया जाता है, फिर सावन मास की सप्तमी को, कृष्ण पक्ष की सप्तमी को इसकी पूजा की जाती है। इसलिए इनका हमारे हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। आप नीम का पेड़ अगर आपको कहीं इसका बीज मिल जाए या कहीं प्लांट, अक्सर आप रोड के किनारे उगे रहते हैं, उनको लाकर अपने घर में जरूर लगाएं। ये दूर्वा, जिसे दूब भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में दूर्वा, इसका हमारे यहाँ पूजा पाठ में दूर्वा का बहुत ही महत्व होता है। आप रोज दूर्वा का 5 ब्रांच तोड़ के और ला के माँ को जरूर चढ़ाएं। और इनको अपने अगर जमीन है तो बहुत ये फैलती हैं, और अगर आपके पास जगह नहीं है तो एक गमले में इसका एक प्लांट ऐसे छोटा सा लाके लगा देंगे। देखिए तमाम, हम तो हमारे गार्डन में बहुत होती रहती, इसको मैं उखाड़, इसमें नीचे पूरी दूर्वा ही भरी है सूखी हुई। और देखिए फिर ये इसमें मैंने रख दिया क्योंकि हमको भी ज़रूरत होती है इस बड़े से टब में, और अभी कुछ दिन बाद ये पूरा टब भर जाएगा दूर्वा से। इसलिए दूर्वा अगर कहीं आपको मिल जाए तो एक प्लांट जरूर ला के उसको आप लगाएं जरूर। उसके बाद नंबर आता है हरसिंगार का। हरसिंगार जिसे पारिजात भी कहते हैं, इससे भगवान राम का भी संबंध है, जुड़ा हुआ है कृष्ण भगवान का, इसलिए इसमें भी ये बहुत ही शुभ पौधा होता है। देवी देवताओं का वास होता है। इसके पीले रंग, सफ़ेद रंग के फूल, पीली डंडियाँ बहुत ही आकर्षक होती हैं। देखिए सारे फूल झड़ गए हैं और इसमें देखिए सीड बन रहा है। देखिए यही सीड से इसका प्लांट तैयार किया जाता है। और लोग कहते हैं कटिंग भी लगती है, लेकिन कटिंग उसकी का सक्सेस रेट बहुत कम है। और इस तरह से आपके मेरा एक राउंड खिल चुका है, इसमें देखिए सीड पॉट बनने लगे हैं। अब इसको मैंने छोड़ रखा है सीड के लिए, फिर इसको सीड से उगा के किसी आप 10 से 12 इंच के गमले में एक हरसिंगार का प्लांट जरूर लगाएं। औषधीय गुणों से भरपूर, वास दोष को दूर करने वाला, भगवान राम कृष्ण देवी देवताओं को खुश करने वाला ये प्लांट आप अपने गार्डन में जरूर शामिल करें। उसके बाद 8वें नंबर पर है बेलपत्र। बेलपत्र का प्लांट घर में लगाना बहुत शुभ होता है। वैसे इसका प्लांट बहुत बड़ा होता है, लेकिन आप इसको 10 से 12 इंच के गमले में लगाकर कटाई छटाई करके इसको बोनसाई बना सकते हैं। यह सीड से बहुत आसानी से उग जाता है। लोग कहते हैं बरसात में कटिंग भी लगती है, पर ये आप एक बेल ले आइए और डाल दीजिए, इसका प्लांट बहुत आसानी से उग जाता है। इसका पत्ता जो है वो शंकर भगवान की हर पूजा में ज़रूर शामिल किया जाता है। बेलपत्र बिना शंकर जी की पूजा ही नहीं पूरी होती है। ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है, इसको जरूर लगाएं। 9वां और सबसे आखिरी प्लांट होता है पान, जिसे बेटल लीफ भी बोलते हैं। पान हमारी हर प्रकार की पूजा में, या जिस दिन अष्टमी में हम हवन करते हैं उस समय पूजा में पान का पत्ता जरूर लिया जाता है। इसके बिना हर पूजा अधूरी मानी जाती है। और इसको लोग खाते भी हैं। ये कैल्शियम से भरपूर
औषधीय गुणों से भरपूर होता है। आँखों में चोट लगने पर भी इस पे देसी घी लगाकर आँख में बांधने से बहुत ही फायदा होता है। और ये वाइन होता है, इसकी कटिंग भी लगती है बहुत आसानी से। आप एक कटिंग इसकी 8-10 इंच की ले आइए और घर में लगाइए, और ये बहुत आराम से इंडोर प्लांट होता है। इसको धूप बिल्कुल नहीं पसंद होती है, इंडोर ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। गार्डन में ज़रूर शामिल करें।